जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत से गहरा नाता था। वह न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गहरे दोस्त रहे बल्कि उनके परिवार में भी एक भारतीय शामिल हैं। शिंजो आबे के चचेरे भाई इसाओ आबे की पत्नी भारतीय मूल की हैं। उनकी जड़ें दक्षिण भारत में हैं। कल्पना आबे परिवार की बहू बनी लेकिन उनकी खुद की उपलब्धियां भी कम नहीं हैं। वह एक कार्डियोवास्कुलर सर्जन रह चुकी हैं। वह मलेरिया रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य कर चुकी हैं। कल्पना ने भारत जापान ग्लोबल पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए कई काम किए हैं। शिंजो आबे के चचेरे भाई इसाओ आबे से उनकी शादी हुई लेकिन जापान के इस प्रतिष्ठित परिवार से खुद को जोड़कर वह दिखाती नहीं है। अगर उन्हें इस नाम की वजह से तवज्जो मिलती है तो वह उसे रोक देती हैं। शिंजो आबे अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान कई बार उन्हें कॉल करते थे और भारत के बारे में बातचीत करते थे। वह कल्पना को प्रा कहकर बुलाते थे। कल्पना ने कुछ साल पहले एक समाचार वेबसाइट से बातचीत में कहा था कि भारत की जापान में खासी प्रतिष्ठा है। दोनों के लिए चीन एक संभावित खतरे के रूप में है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका जापान का सबसे बड़ा सहयोगी है और भारत जापान के लिए दूसरा सबसे अहम देश है। हमारी संस्कृति एक ही है। कल्पना ने आगे कहा था कि मेरे पति ही मेरी रीढ़ हैं। वह टिपिकल नहीं है। उनके बिना मेरा कोई करियर नहीं होता। तमिल परिवार से आने वाली कल्पना का जन्म सिंगापुर में एक संभ्रांत कारोबारी परिवार में हुआ था। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वह और इसाओ एक दूसरे के करीब आए थे। हालांकि परिवार एक दूसरे को जानते थे लेकिन बच्चे आपस में शादी के लिए कहेंगे यह किसी ने नहीं सोचा था। 18 साल की उम्र में इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी। कई रुकावटों के बाद परिवार इस शादी के लिए तैयार हुआ था। शादी के 37 साल बाद आज दंपति का एक बेटा हिंसु नारायण और दो बेटियां हितोमी विद्या और हिरोमी भाग्य हैं। कल्पना ने आगे कहा था कि आज मैं खुद को अधिक जापानी महसूस करती हूँ।